शोक व्यास और आप आप जानते हैं कि आप कौन हैं दरअसल नाम हमारा पूरा परिचय नहीं होता हम कौन हैं वो नाम से परे जाकर पहचानना होता है और इस पहचान को हम तक पहुंचाने वाले जो कलाकार हैं उनको हम बार बार याद शायद इसीलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी पहचान की पगडंडी पर हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं हमारे आज के अतिथि से आपकी भेंट करवाने से पहले मैं याद करना चाहता हूं शीन काफ निज़ाम की ये पंक्तियाँ जो कहते हैं कि सब वक्त की दीवार से सर फोड़ रहे हैं रोज़न ही कोई भाग निकलने के लिए दे और अगला शेर आप तक तो पहुँचाने से पहले आ, मैं स्वागत करता हूँ मेरे आज के मेहमान मुमताज़ हुसैन का आ, फिल्म बनाने के साथ साथ आप लिखते भी हैं और बहुत अच्छे कलाकार भी हैं और जो अगला शेर मैं पेश कर रहा था अपने दर्शकों के लिए आप नजर करते हुए आंखों को अता ख्वाब किए शुक्रिया लेकिन पैकर भी कोई ख्वाब में ढलने के लिए दे इस शेर के हवाले से मैं आपकी तरफ बढ़ता हूं और आज हम बात करने वाले हैं फैज अहमद फैज साहब की जिनका सौवा जन्म दिवस सारी दुनिया मना रही है बात करते हैं ख्वाबों की तो ख्वाब जो होते हैं वो हकीकत के कितना करीब आ सकते हैं आपका तजुर्बा क्या कहता है वल well, uh, ख़्वाब जो हैं इस ट्रांसफॉर्म है एक एनर्जी की जो के हकीकत के बहुत ही करीब होते हैं ख़्वाब और जब आप सोए होते हैं तो आपका दिमाग जाग रहा होता है और जब वो दिमाग जाग रहा होता है तो उस वक्त आप इस दुनिया से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं जब आप हकीकत में चीज़ देखते हैं तो जो चीज़ आप एक्चुअली देख रहे होते हैं उसको जब आप ट्रांसफॉर्म करते हैं आपके आंखों के कॉर्निया से तो वो उल्टी होती है जब आप चीज़ ख़ाब देखते हैं ख़्वाब डायरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करती है आपके दिमाग पे, और आपके दिमाग के पर्दा स्क्रीन पे सीधी इमेज और कनेक्ट वो होती है क्या बात है तो वो चीज़ ज़्यादा रियलिस्टिक है मेरी नज़रों में बजाय इसके जो मैटर आपके सामने रखा हुआ है उसका जो आप इम्प्रेशन लेते हैं जो इम्प्रेशन लेते हैं वो किसी और उल्टा होकर आपके दिमाग पर जाता है जब आप ख्वाब देखते हैं तो वो सीधा आपके दिमाग की क्रिएशन होती है जो इस बेस्ड ऑन द आपकी जो हिस्ट्री में या आपके तजर्बात में आपके एक्सपीरियंसेस में आपकी ज़िंदगी में इंटरवोव किए होते हैं तो वो ख्वाब जो हैं वो आपको जो है ए, उसके जो तजुर्बात जो होते हैं मेरे जो तजुर्बा मेरे ख्वाबों से हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं बस मतलब पेंटिंग करता हूँ फिल्में बनाता हूँ और मैं लिखता हूँ और वो सारे मेरे ख्वाब हैं मैं ख्वाब देखता हूँ तो जब कैमरा उठा लेता हूँ तो फ़िल्म बन जाती है उसी ख्वाब पर जब ब्रश उठाता हूँ तो वो पेंटिंग बनती है और कलम उठाता हूँ तो वो कहानी लिखी जाती है तो ख़्वाब मैं ज़िंदा ही ख्वाबों में रहता हूँ क्या और ये ख्वाबों की ज़िंदगी तो बेमिसाल है हैजूर तो ये ख्वाबों की ज़िंदगी बेमिसाल है ऐसा कहने वाला कोई कलाकार होता है कोई संवेदनशील मनीषी होता है और हम कई लोगों को ये कहते सुनते हैं जो एक तरह से अपने लिए ये संकल्प बना रहे होते हैं कि हम ख्वाब को बदल देंगे हकीकत में और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपनी कविता में कहा कि आशीर्वाद देते हुए कि बेटी जा तेरे स्वप्न बड़े हों तो बड़े बड़े सपने देखे लेकिन जो हकीकत है जब हम इंडिविजुअल लेवल से सोशल रेफरेंस uh, में बात करने लगते हैं तो कई बार उसकी शक्ल बदल जाती है तो इंडिविजुअल रियलिटी एक बात होती है और सोशल रियलिटी क्या बहुत अलग उससे होती है नहीं बिल्कुल नहीं अलग होती अब अब अगर आर्ट की बात करते हैं या फिल्म की बात करते हैं तो पूरी एक मूवमेंट चली थी जिसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है जो सोशल रियलिज्म की अच्छा सोशल रियलिज्म की हिस, जो हिस्ट्री है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आई थी जिसको मास्टर्ड किया या जिसको कहते हैं कैप्चर्ड किया या जिसको अपनाया वो मार्क्सिस्ट फोर्सों ने फोर्सेस ने कि जब आप सेकेंड वर्ल्ड वार के उसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भूख अफलास और वो जो इस तरह की जो चीज़ें थी उसमें जो गुरबत को रियलिस्टिकली पोट्रे करना था या डिनाइल था जो हरियाटिक या एक एग्जेजरेट फॉर्म के ख़िलाफ़ जो एक मूवमेंट थी बहुत ही रियलिस्टिक होने की उस मूवमेंट को सोशल रियलिस्टिक मूवमेंट कहते हैं जो कि आर्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और आर्ट के बाद सिनेमा में तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई सिनेमा की मूवमेंट विच इज स्टार्टेड इटालियन सिनेमा से शुरू हुई थी जिसमें Uh, uh, वतीरोिका की बाइसिकल थी वन ऑफ़ द वर्ल्ड मास्टरपीस या ला तारा राम जो है विस्कांती की जो है लांचो विस्कती की जो फिल्म थी और इसी तरह पैसोलिनी की कई फिल्में हैं दिस मोमेंट मोमेंट इन द फिल्म इन द सि स्टार्टेड फ्रॉम देयर फिर जिस पे बहुत ज़्यादा काम हुआ इंडिया में जिसमें सत्यजीत रे की वर्ल्ड ऑफ आपू की जो ट्रियलॉजी है वो सारी उसकी है और पत्थर पंचली वर्ल्ड मास्टर पीसेज उस सब्जेक्ट पे सोशल रियलिज्म पे और फिर उसके बाद जो पहली फिल्म आ, इसकी थी चेतन आनंद की नीचा नगर जिसको आ, फ्रांस के आ, फ्रांस में सबसे पहले सबसे बड़ा अवॉर्ड उसको मिला और पहली इंडिया की फिल्म जो थी वो कैंस फेस्टिवल्स में एक्सेप्ट हुई थी वो नीचा नगर ये फिल्म थी फिर उसी रेफरेंस से पाकिस्तान में कुछ फिल्में बनी जिनमें वन ऑफ द तो बिगेस्ट फिल्म जागो हुआ सवेरा जिस पर आज फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी तो और... फैज़ साहब की तरफ और ये फिल्म जागो हुआ सवेरा जिसको आप कोइंस म्यूजियम में 11 सितंबर को आ, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उसकी तरफ बढ़ने से पहले फिर ठहरते हैं थोड़ा सा आ, कुछ दिन पहले मैं एक कॉमेडियन है इंडिया के जॉनी लीवर उनका कोई प्रेजेंटेशन कभी रहा होगा जिसमें उन्होंने एक अस्पताल में जो मरीज़ हैं जो ऑर्थोपेडिक्स वार्ड में हैं उनके हवाले से बात कही लेकिन उसमें से कॉमेडी पैदा कर दी उन्होंने तो वैसे उन लोगों के लिए सहानुभूति हो निश्चित रूप से वो ऐसी स्थिति में पर एक शख्स जो हास्य बरामद करने का हुनर रखता है वो वहाँ से हास्य निकाल लेता है और बिना उन लोगों को किसी तरह से डेरोगेटरी वे में एक्सप्रेस किए हुए बात एकदम अलग है इसे लेकिन जो फिल्म बनाने वाले सोशल रियलिटी को प्रेजेंट करने वाले रहे वो सत्य को इस तरह से दिखा पाए कि सत्य भी बना रहे बट एक उनकी जो पोइटिक सेंसिबिलिटी है या एक ब्यूटी ऑफ फिल्म है वो एक बैलेंस वे में बना रहे तो इन जनरल आप बताएं कि ये एक चुनौती होती है ना एक क्रिएटर के लिए कि ये गंभीर विषय है कोई भूख से मर रहा है आप उसको दिखा रहे हो एस्थेटिक सेंस इन्वॉल्व एंड येट यू आर डेफिनेटली जो विजन होता है अब जो विजन तो डायरेक्टर का होता है ना कि वो उसको प्रेजेंट किस तरह कर रहे हैं अब एक ही सब्जेक्ट जो है एक ही सब्जेक्ट को आप डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं उसकी विजुअल एक्सप्रेशन किस तरह दे रहे हैं उसको अस्थेटिक उसकी जो है उसकी डेलीकेसी किस तरह आप उसको प्रजेंट कर रहे हैं वो डेफिनेटली वो होता है अब जॉनी लेवर क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज़ हर चीज़ को मजा में प्रजेंट करने की है तो ये तो डिपेंड करता है ना जो उस जो वो उसको विजुलाइज़ कर रहा है उसको कैसे प्रेजेंट कर रहा है एक ही इंसिडेंट जो है वो एक ही इंसिडेंट जो है वो मजा में भी आप बयान कर सकते हैं वही इंसिडेंट आप जो है वो रो के भी बयान कर सकते हैं उसी में तकलीफ़ भी है उसी में हंसी भी है उसी में सीरियस भी है उसी में ड्रामा भी है उसी में कॉमेडी भी है तो ये तो प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा वो डिपेंड करता है और इसी तरह है मैं क्योंकि आर्टिस्ट हूँ एक मॉडल बैठती है उसके चारों तरफ जो है वो सब स्टूडेंट्स जो हैं उसको ड्रा कर रहे होते हैं उस मॉडल को हर जो आर्टिस्ट है आप वही मॉडल है सब कुछ वही है वही कपड़े पहने हैं वही नाक नक्शा चेहरा सब कुछ वही है वही प्रोपोर्शन है सब कुछ लेकिन हर आर्टिस्ट के हाथ से निकली हुई जो लकीरें हैं वो दूसरे से मुख्तलफ होती हैं कोई उसको रियलिस्टिकली दे रहा होता है कोई एब्स्ट्रैक्शन में देख रहा होता कोई उसको सूरीलिज़म में देख रहा होता है कोई किसी तरह देख रहा होता तो ये जो आर्टिस्ट पर डिपेंड करता है फिल्म मेकर पर डिपेंड करता है कलाकार पर डिपेंड करता है या स्टोरी लिखने वाले पर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह प्रजेंट कर रहा है तो आ, फिर आपकी फिल्म की तरफ बढ़ते हैं और 11 सितंबर के बाद के हालातों को लेते हुए जो कहीं ना कहीं शायद एग्जाजरेटेड रिएक्शन रहा होगा उस uh, के बारे में बात करने वाली एक फिल्म आपने बनाई थी पुश बटन शायद नो no, वो थी बटरफ्लाई सक्रीन जी बटरफ्लाई सक्रीन हाँ वो बिल्कुल एक वो सी फिल्म थी उसमें एक अमेरिकन की जो पॉलिटिक्स है अमेरिका की पॉलिटिक्स स्पेशली इन द बुश इरा में बुश इरा में जो एक स्टायर था अमेरिका की पॉलिटिक्स में कि जो उन्होंने पेश किया और क्या कुछ रहे थे एक्चुअली उनका पर्पस कुछ और था तो जो भी आपके पॉलिटिकल अचीवमेंट्स या इकोनॉमिकल अचीवमेंट्स थे हैं लेकिन आप जो मर्जी करें लेकिन नुकसान किसको हुआ वो मासूम बच्चे और मासूम औरतें और मासूम लोग जो मरे हैं उसके ऊपर एक 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 वो जो एक स्टायर था अमेरिका की पॉलिटिक्स पे वो मैंने फिल्म बनाई थी कि किस तरह जो एक पौधा है पौधे को किस तरह एक एक जो बाप है वो यास्मीन के फूल को अपनी बेटी से रिलेट कर रहा है और उसी पौधे को जो सी आई ए है और एफ बी आई है वो उसी को कह रही है कि दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस प्लांट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट कुड डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड तो उसको लेके एक मैंने पेश किया था सितंबर सेलेवन के सब्जेक्ट से अब न्यूयॉर्क से हम चलते हैं पाकिस्तान की तरफ और लगभग साठ साल पहले शायद उन्नीस में बनी थी फिल्म जागो हुआ सवेरा द डेल डॉन